नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिवेलपिंग रिटेलर प्राइस स्ट्रैटेजी सो हम अगले फेज़ के ऊपर आ गए हैं कि जहाँ पर हम रिटेलर की प्राइस स्ट्रैटजी की डेवलपमेंट की बात करें सो so, क्या क्या शामिल होता है कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इस स्ट्रैटी डिवेलपमेंट के अंदर हमारे पास हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं उस स्ट्रैटेजी को डिवेलप करने के लिए लेट मी शेयर इट विद यू वन बाय वन सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये पाँच स्टेप्स हैं जो के रिटेलर प्राइस स्ट्रेटजी को हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज रिटेल ऑब्जेक्टिव्स जिस तरीके से हमने फर्स्ट बात जो डिस्कस की वो ये थी कि रिटेलर को अपनी ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखना है और उन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस के ऊपर उसने अपनी प्राइस को डिसाइड करना है तो द प्राइसिंग शुड बी अलाइन विद द रिटेलर ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे पहले रिटेलर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी इन माइंड देन उसके फौरन बाद जो चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ ब्रॉड प्राइस पॉलिसी सो एक प्राइस फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया जाए जो के प्राइस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हेल्पफुल करता है हेल्पफुल होता है जिसमें आपके पास एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है जो के प्राइस पॉलिसी के परस्पेक्टिव में तमाम पॉलिसीज़ को लिस्ट uh, डाउन कर देता है देन थर्ड लेवल के ऊपर हम एक प्राइस स्ट्रेटजी के लेवल के ऊपर आएंगे फिर उस प्राइस स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे और लास्ट पे हम बात करेंगे प्राइस एडजस्टमेंट्स के हवाले से ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो कि ऑफ़कोर्स हर लेवल के ऊपर जो फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं कंज्यूमर गवर्नमेंट uh, और अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो तमाम फैक्टर्स हर स्टेज के ऊपर हर स्टेप के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं बिजनेस को हर स्टेज के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं बिजनेस को बेशक वो ऑब्जेक्टिव के लेवल के ऊपर हो बेशक वो प्राइस एडजस्टमेंट के के लेवल के ऊपर हो बेशक वो प्राइस स्ट्रेटजी की या प्राइस की इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटी प्राइस इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में हो तब वो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रिटेलर्स की स्ट्रेटजी को तो अल्टीमेटली रिटेलर जब अपनी स्ट्रेटी बना रहा होता है वो इस फेज से गुजरेगा ऑब्जेक्टिव सेट करेगा ब्रॉड प्राइस पॉलिसी सेट करेगा प्राइस स्ट्रेटी के ऊपर जाएगा इंप्लीमेंट करेगा उसको एंड देन उसकी प्राइस एडजस्टमेंट्स करेगा मार्क डाउन करेगा मार्क अप करेगा वट्स एवर दिस वुड बी द सिचुएशन वो करेगा और आगे की तरफ प्रोसीड करेगा तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिटेलर की ऑब्जेक्टिव और उसकी प्राइसिंग जब हम बात करते हैं रिटेलर की प्राइसिंग के हवाले से एज पर इज ऑब्जेक्टिव तो उसमें यह बात जहन में रखनी है कि वो किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है क्या वो मार्केट स्कीमिंग के ऊपर काम कर रहा है या वो मार्केट पैनिट्रेशन के ऊपर काम कर रहा है अगर रिटेलर का टारगेट ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करे ऑफकोर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करे और इस केस के अंदर उसको प्राइसेस हाई टर्नओवर लाने के लिए उसको प्राइसेस जो है वो बहुत एट्रैक्टिव प्राइसेस ऑफर करनी होंगी इस तरह की सिचुएशन के अंदर रिटेलर जो है वो एम कर रहा होता है कि वो मार्केट में क्विकली पेनिट्रेट करे मार्केट so, में ज्यादा से ज्यादा शेयर गर्न करने के लिए अच्छी प्राइसेस ऑफर करके बेस्ट प्राइसेस ऑफर करके लो प्राइसेस ऑफर करके रिटेलर कैन गेट पेनिट्रेशन इनटू द मार्केट। तो अगर उसकी स्ट्रेटेजी इज मार्केट uh, पेनिट्रेशन, तो ऑफकोर्स वो अकॉर्डिंगली उसको अपनी प्राइसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा दूसरे केस के अंदर इफ द रिटेलर इज मोर फोकसड टूवर्ड्स मार्केट स्कीमिंग इसका मतलब यह है कि रिटेलर को एक नीच को टारगेट करना है रिटेलर रीटे, एम कर रहा है कि वो एक नीच को टारगेट करेगा और ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली उसको अपनी प्राइसिंग को सेट करना पड़ेगा हमारे पास अगर मैं किसी नीच की हवाले से एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो ये से हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है मार्केट स्कीपिंग अप्रोच के हवाले से कि किस तरीके से एक रिटेलर अगर मार्केट स्कीपिंग अप्रोच को फॉलो करता है तो वो कैसे द स्टोर वुल लुक लाइक आप ऑब्जर्व करेंगे वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स आप ऑब्जर्व करेंगे सेलेक्टिव अप्रोच आप ऑब्जर्व करेंगे नीच मार्केट को टारगेट करना आप ऑब्जर्व करेंगे ऑफ कोर्स प्राइसेस हाई इस तरह के केसेस के अंदर जो अप स्केल कस्टमर है अप स्केल ओरिएंटेशन है वो फॉलो की जाती है ताकि रिटेलर जो है वो हाई मार्जिन अचीव कर सके क्योंकि ऑब्जेक्टिव यह है कि वो नीच को टारगेट कर रहा है और बिजनेस को आगे लेके चल रहा है रिटेलर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस तरह से फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कहा कि कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें से रिटेलर्स चूज तो हमारे पास देर आर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जिसको मैं क्विकली आपके सामने वन बाय वन डिस्कस करता हूं ताकि हमारे पास आइडिया हो जाए कि रिटेलर को कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को अपने सामने रखना है अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी को बनाते वक्त सबसे पहली बात उसको इंश्योर करना है कि उसका जो इमेज है वो मेंटेन रहे उसके इमेज को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे, उसका इमेज जो है वो जो स्टेटस उसने बनाया है वो डिस्टर्ब ना हो इसी तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो इनक्रेज करे शॉपर्स को नॉट टू बी ओवरली प्राइस कॉन्शियस क्योंकि कस्टमर को अगर आप ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस कर देंगे तो अल्टीमेटली वो सिर्फ प्राइस को ही देख रहा होगा सो यू नीड टू गिव अवेयरनेस टू द कस्टमर के उसको क्वालिटी को भी कंसिड्रेशन में रखना है उसको सोर्स को भी कंसिड्रेशन में रखना है उसको पैकेजिंग को भी कंसिड्रेशन में रखना है उसको तमाम फैक्टर्स को कंसिड्रेशन में रखना है इसी तरीके से कॉर ऑब्जेक्टिव जो रिटेलर के जहन में है वो ये भी होता है कि टू बी परसीव्ड एज फेयर बाय ऑल पार्टीज तो रिटेलर का जो स्टेटस है वो सप्लायर की नज़र में कस्टमर की नज़र में इम्प्लॉइज की नज़र में वो एक फेयर पार्टी का हो ऐसा ना हो कि कंसिडर ये किया जा रहा हो समझा यह जा रहा हो कि रिटेलर जो है वो ज्यादा कर रहा है बेशक वो सप्लायर्स के साथ कर रहा है बेशक वो एम्प्लॉज के साथ कर रहा है बेशक वो कस्टमर के साथ कर रहा है फिर कंसिस्टेंट प्राइसिंग पैटर्न को रिटेलर जो है उसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो फॉलो करे ऐसा ना हो कि कभी किसी दिन कभी किसी टाइम के ऊपर वो हाई प्राइसेस फॉलो करना शुरू कर दे कभी लो प्राइसेस फॉलो करना शुरू कर दे सो कंसिस्टेंट इन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द प्राइसेस वो रिटेलर को सेट करना पड़ता है फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रिटेलर के जहन में है वो होता है कि टू इंक्रीज कस्टमर ट्रैफिक ड्यूरिंग द स्लो पीरियड्स फॉर एग्जाम्पल वो स्लो डेज हैं फॉर एग्जाम्पल वो स्लो आवर्स हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी कस्टमर ट्रैफिक उसमें इम्प्रूव करने के लिए रिटेलर एक प्राइस स्ट्रेटेजी को सेट करता है फॉर एग्जाम्पल अगर वेडनेसडे इज द लोस्ट सेल्स डे और अगर द सेकेंड वीक और थर्ड वीक इज द लोस्ट सेल्स वीक्स तो रिटेलर एक ट्रैफिक uh, को इंप्रूव करने के लिए कस्टमर ट्रैफिक को इंप्रूव करने के लिए एक प्लान करता है फिर टू क्लियर आउट सीजनल मर्चेंडाइज जो भी सीजनल स्टॉक है रिटेलर को वो क्लियर करना है एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ऐसा नहीं रखना कि वो उसको अपने पास होल्ड रखे मेंटेन रखे फिर कंपेटिटर की प्राइस को मैच करना है ऐसा नहीं करना कि प्राइस वॉर शुरू हो जाए लेकिन कंपेटिटर की प्राइस से ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए इसी तरीके से ऐसी फिलॉसफी को भी उसको अंडरस्टैंड करना है कि वी विल नॉट बी अंडरसोल्ड इस फिलॉसफी को उसको प्रमोट करना है ताकि कस्टमर उसको फोकस करें देन टू बी रिगार्डेड एज प्राइस लीडर इन द मार्केट बाय द कस्टमर सो कस्टमर को यह बताओ कि जहां जो प्राइस डिसाइड करता है एक्चुअली जहां पर प्राइस की लीडरशिप है वो यही रिटेलर है फिर कस्टमर को आप एम्पल कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ताकि कस्टमर आपकी प्राइस के साथ सर्विसेज को भी वैल्यू कर रहा हो और इसी तरीके से टू मिनिमाइज चांस ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस अगेंस्ट योर प्राइसिंग अगेंस्ट योर एंटी ट्रस्ट अगेंस्ट योर प्राइस ब्रीच इन सारी बातों के लिए भी रिटेलर को अपने जहन में रखना है फिर डिस्करेज करना पोटेंशियल कंपेटेटर को फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट प्लेस जो नए कंपेटेटर आने वाले हैं उनको भी डिस्करेज करना है रिटेलर का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि कम से कम प्लेयर्स मार्केट में आए ताकि वो मार्जिन को सिक्योर कर सके फिर कस्टमर के इंटरेस्ट को क्रिएट भी करना है और मेनटेन भी करना है ये भी उसका वन ऑफ दब्जेक्टिव है और लास्ट में जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज रिपीट बिजनेस अगर तो रिपीट बिजनेस आएगा तो अल्टीमेटली रिटेलर के लिए ये बेनिफिशियरी होगा तो रिटेलर फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को जिस तरीके से मैंने अभी आपसे जिक्र किया डिस्कस किया उनको स्पेल आउट करता है डिफाइन करता है ताकि वो प्रॉपरली नेक्स्ट स्टेज के ऊपर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सके और अपनी रिटेल प्राइस स्ट्रेटजी को डेवलप कर सके